हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो कि एक सीरम है। अब आप बोलेंगे सीरम्स के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, सीरम में होता क्या है, तो विटामिन सी होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है। नहीं, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, जो प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये सबसे हट के सीरम है। ये इसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में अभी तक बहुत सी कंपनी, मतलब अभी तक मेरे ख्याल से आई नहीं, बहुत ही कम कंपनियां इंडिया में बना रही हैं। फॉरेन में तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट इंडिया में जो चीज़ अवेलेबल नहीं है, मैं उसके ऊपर बता रहा हूँ कि एक नया जो एक इनोवेशन और एक नया प्रोडक्ट एक बैक्सियम हेल्थ साइंस कंपनी ने जो बनाया है, मैं इसको लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और इसके ऊपर मैंने कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स इकट्ठे करे हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा, और इसमें क्या खासियत है, ये कैसे आपके लिए वर्क करेगा, ये मैं आपको बताऊंगा, किसको लगाने का तरीका और इसको कहाँ खरीद सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में आखिरी तक, और पसंद आए तो उसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अभी तक आप लोगों ने, अभी तो आपको पता है कोरोना टाइम चल रहा है, सब लोग घर में बैठे होंगे, मैं भी अपने घर में ही था। और जब इंसान घर में रहता है और फ्री टाइम रहता है, फोकट में बैठा रहता है, मैं तो बहुत ही फोकट बैठा था, कुछ काम नहीं था, बिल्कुल छुट्टियां बिता रहा था, तो मैं आराम से सोता था। और जब सो के उठता था तो बाथरूम जाता था, ब्रश करता था और सामने चेहरा देखता था, तो मुझे अपने चेहरे में बहुत सारी कमियाँ नज़र आने लगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है। अब फ्री टाइम में क्या करेगा इंसान, अपने चेहरे ही देखेगा, मैं तो चेहरा ही देखता हूँ। मुझे दिखने लगा यार मेरी एज होने लगी है, आई एम 37, और मुझे ओपन पोर्स आने लगे हैं, और ऐसे आपको भी बहुत सारे लोगों को दिखता होगा, एज रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं। देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो सीरम, हम ये वीडियो है सीरम के ऊपर, और जब हम कोई सीरम मार्केट में ढूंढते हैं तो हमें क्या चाहिए, जो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, मैं आपको पॉइंट बताऊँगा, वो क्वालिटी ज़रूर ढूंढिएगा। बिकॉज सीरम ऐसे नहीं कि 10 सीरम लगाएंगे एक साथ, अब सी विटामिन सी का भी लगाएं, हाइलुरोनिक एसिड भी लगाएं, आप अलग अलग सीरम नहीं लगा सकते, आप एक सीरम लगाइए जो आपके मल्टीपल इश्यूज को ख़त्म करें। तो जो सबसे ज़्यादा इश्यूज होते हैं एज रिलेटेड, खासकर जैसे तो एजिंग होती है, आपको देखेंगे कि ओपन पोर्स, लोगों को ओपन पोर्स की दिक्कत होने लगती है, मुझे तो होने लगी है, और बहुत सारे एनवायरमेंटल डैमेज, पॉल्यूशन का डैमेज होता है, आप देखोगे जब बाहर जाएंगे, धूप में जाएंगे, यूवी रेज का डैमेज होता है, तो उसके कारण जो एज रिलेटेड इश्यूज होते हैं, आपको फ्रेकल्स आते हैं, आपको अनइवन टेक्सचर होता है, या आपके किसी को स्किन में रेडनेस होती है, बहुत सारे मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अगर जब मैं बाहर धूप में जाता हूँ तो मुझे फेस में रेडनेस होने लगती है, आप देखोगे लोगों को भी रेडनेस होती होगी, आपको भी होती होगी, या अगर आपको एक्ने है, एक्ने आपको आ रहे हैं, एक्ने के स्पॉट्स पड़ रहे हैं, वो है, या अनइवन टेक्सचर हो गया, या रिंकल्स हो गए, तो ये जो सीरम है ये आपके सारे कंडीशन, सारे इंडिकेशन, इन सब में वर्क करता है। अगर आपको ओपन पोर्स है, आपकी स्किन लैक्स हो रही है, आपको फेस में रिंकल्स आ रहे हैं, फाइन लाइन्स आ रही हैं, या आपकी स्किन में डलनेस है, आपको अनइवन टेक्सचर है, और कोई पिगमेंटेशन है, एक्ने प्रॉब्लम है, उस पर भी वर्क करता है ये सीरम। इसकी खासियत क्या है, ये ईक्लैक सुपीरियर सीरम है, इसके अंदर नियासिनामाइड है 10%। नियासिनामाइड क्या होता है, इट्स विटामिन B3, और इसके अंदर विटामिन B5 भी है, B3 भी है, एंड इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है। जो सीरम में आपको मार्केट में मिलेगा वो हाइलुरोनिक एसिड प्लेन मिलेगा, बट इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, साथ साथ विटामिन B5 है और B3 भी, जो नियासिनामाइड है, और साथ में जिंक PCA जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी वर्क करता है, एज एंटी इन्फ्लेमेटरी। हमको जब भी एक्ने होते हैं, पिंपल होते हैं, आप देखोगे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, रेडनेस आ जाती है, ये उस चीज़ को भी खत्म करेगा, बिकॉज जिंक की क्वालिटी होती है एंटी इन्फ्लेमेशन की। आपके एक्ने हो रहे हैं, आपको कोई भी अनइवन टेक्सचर है, नियासिनामाइड है, आपकी स्किन को इवन करेगा, आपको पोर्स को टाइट कर देगा, आपकी स्किन को रिंकल्स है वो भी खत्म कर देगा, बहुत सारी चीज़ों में काम करता है ये। तो नियासिनामाइड का सीरम में नियासिनामाइड मेरे ख्याल से इंडिया में ये जो कंपनी है ये लेके आई है। बाकी तो विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड के बहुत सारे क्रीम्स आते हैं, सीरम आते हैं, बट वो सारे इंडिकेशन वर्क नहीं करती है, ये आपके सारे इंडिकेशन वर्क कर रहा है। आपकी स्किन में ड्राइनेस हो रही है, आपका लिपिड बैरियर को मेंटेन करता है, स्किन में प्लम्पी इफेक्ट देता है, कलर साफ करेगा, हर चीज़ में ये काम करेगा, और दाग धब्बे सबको हटा देगा। और ये क्या कर रहा है, तो कुछ मैंने उसमें पॉइंट रखे हैं जो आपको, मेरे को लगता है कि आपको पता होना चाहिए। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि घर में बैठ के बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जब आपको कैसी कोई दिक्कतें आती हैं तो आपके घर वाले, आपके पड़ोसी सब बताने लगते कि बेसन लगा लो, हल्दी लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, आप लगाते भी हो, बट वो रिजल्ट देता है क्या, नहीं देते। चीज़ें बहुत सारी आती हैं मार्केट में, आप सब बहुत सारी वीडियोज़ देखोगे मार्केट में बने होते हैं यूट्यूब पर, बट वो उतनी वर्क नहीं करती। तो हमें ऐसी चीज़ लगानी जो इफेक्टिवली हमारे प्रॉब्लम को ख़त्म करें, एक सॉल्यूशन जो सारी चीज़ों पे वर्क करे, हमें ऐसा चीज़ ढूंढना चाहिए। तो ये जो है ये आपके बहुत सारी कंडीशन, जो एज रिलेटेड है, पॉल्यूशन रिलेटेड है, आपके सन डैमेज है, आपके कोई भी इश्यूज़ हैं, हार्मोन इश्यूज़ हैं, कुछ भी हैं, उन सब पे वर्क करता है। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप इसको जब लगाएंगे
तो कुछ कुछ को माइट भी स्टार्टिंग में एक्ने आ सकते हैं। एक्ने किन को आएंगे, जिनके ऑलरेडी अंदर एक्ने बनने वाले कोमेडोंस होंगे या किसी को ऐसा होगा कि अंदर कुछ इश्यूज हैं, उनको आएंगे बट वो चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि आएगा, वो अंदर अगर है तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा, वो साफ़ हो जाएंगे। तो आप इसको डरना मत कि लगाया और एक्ने आ गया, वो अंडरलाइन होगा तो ही आएगा ये, ऐसा वरना नहीं आएगा। और इसको 15 दिन आप रेगुलर लगाएंगे तो आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 1 से 2 हफ्ते इसको लगते हैं रिजल्ट आने में। और इसको लगाने का तरीका क्या है, इसको आपको सुबह शाम लगा सकते हो, दिन में 2 बार। आपको 2 पंप लेने, मतलब 2 बार आपको इसको ऐसा पिचुक पिचुक करना है, ओके। 2 पंप आपको लेके इसको लगाना है। ये सीरम है, बहुत अच्छा है और इसकी स्मेल भी अच्छी है। इसको आपको लगाना कैसे, लगाने का तरीका है कि आपको अपने फेस को सुबह लगा रहे हैं तो फेस को क्लीन करिए। क्लीनिंग के बाद आपको जितने भी डर्ट है वो साफ हो जाती है। इसके बाद आपको टोनिंग करनी, टोनर लगाइए, वो आपके पीएच लेवल को मेंटेन करेगा। इसके बाद आपको सीरम लगाना है, ओके, याद रखिएगा। टोनर के बाद आपको सीरम लगाना है, उसके ऊपर आप सनस्क्रीन लगा सकते हो। रात में आपको क्या करना है, आपको फेस को क्लीन करना है, टोनिंग करना है, सीरम लगाना है, ये वाला नियासिनामाइड का, और उसके बाद आपको नाइट क्रीम अगर कोई लगाते हैं तो लगा सकते हैं। ये हर चीज़ में वर्क करेगा। आपको 2 बार इसको पंप लेना है और दिन में 2 बार लगाना है। रिजल्ट आपको विद इन 15 डेज आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। वही नॉन कोमेडोजेनिक है। अगर आपको मतलब नॉन कोमेडोजेनिक मतलब क्या होता है कि आपके कोमेडोस जो एक्ने के अंडे होते हैं वो ये कॉज नहीं करेगा, ये बनाएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्रीम्स और जो होती है ना वो कोमेडोजेनिक होती है, वो एक्ने कॉज करती है, बट ये चीज़ एक्ने में ख़त्म करने पर वर्क करेगी। और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एलर्जी कुछ करता नहीं है। और इसके कुछ कुछ अच्छी चीज़ें बता दूँ आपको मैं, ये कोई भी लगा सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल है। और ये आपके स्किन बैरियर को रिपेयर करेगा, लिपिड को जो है हमारे स्किन में लिपिड्स जो होते हैं जो हमारे मॉइस्चर को लॉक करके रखते हैं, ये उसको बढ़ा देगा, और ताकि आपकी स्किन प्लम्पी प्लम्पी जो गुगली बुगली वॉश वाली स्किन होती है वैसी दिखेगी, मतलब एकदम फुली फुली सेक्सी सी स्किन दिखेगी। मतलब एक होती हाई डिहाइड्रेटेड स्किन, चूसी हुई सी ना, एकदम पानी खत्म हो गया है स्किन का और एकदम मतलब मुरझाई सी स्किन, वैसा आपका अगर हो रहा है तो ये एक चीज़ उसको ख़त्म कर देगा। सबसे अच्छी बात की है आपकी रेडनेस, अगर आपके चेहरे में रेडनेस आ रही है, आप देखना बहुत सारे लोगों को होता है रेडनेस आ रही है, तो उसको भी ख़त्म करेगा। ब्लॉचीनेस है, अनइवन स्किन टेक्सचर है, टोन है, उन सबको ख़त्म करेगा, एक्ने को ख़त्म करेगा। और आपके जो सीबम ऑयल है जो स्किन में अगर ऑयल आता है उसको भी रेगुलेट करेगा, सीबम जो प्रोडक्शन उसको भी ये रेगुलेट करता है। तो वेट क्या कर रहे हो, आप फटाफट जाइए। इसकी प्राइस है 1650 रुपये, 1650 रुपये का ये 30 ग्राम का 30 ml का है, और थोड़ा कॉस्टली है बिकॉज इसमें जो प्रो नियासिनामाइड यूज़ किया गया है, और जो कि बहुत कॉस्टली आता है प्रोडक्ट, इसमें हाइलोरोनिक एसिड भी है और विटामिन B5 भी है और इसमें जिंक भी है, तो बहुत सी चीज़ें इसमें अच्छी डाली गई, तो इसलिए थोड़ा कॉस्टली है। अच्छी चीज़ महंगी आती है, सस्ती चीज़ रिजल्ट नहीं देती है, ओके। तो वैक्सीम हेल्थ केयर ने बनाया है और ये आपको मिलेगा www.clickoncare.com। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उसमें जाइए, वहाँ परचेस करिए इसको ईक्लेट सुपीरियर सीरम को, जो कि बहुत अच्छा है स्मेल में भी और रिजल्ट देने में भी अच्छा है, बिकॉज में नियासिनामाइड है, बाकी सीरम में नियासिनामाइड नहीं होता है। फर्क समझिएगा क्रीम और सीरम में, सब में। हमें अगर नाइट में कोई चीज़ लगानी है, दिन में लगाना है, हमें अपनी स्किन को बचाना है, अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, तो हमें ऐसी चीज़ लगानी है जो हम कम चीज़ें लगाएं और रिजल्ट ज़्यादा दें। हम 10 चीज़ें लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ रिएक्ट करेगी, आपस में मिलकर इंटरेक्ट करके भी रिएक्शन कर सकती है। हम ये भी लगा रहे हैं, हम ये भी लगा रहे हैं, हमने ये भी लगा ली, कई लोग करते हैं कि 10 मसाले डालने हैं उनको खाने में, तो खाने का स्वाद खराब हो जाएगा। तो कम से कम चीज़ें लगाइए चेहरे पे और ऐसी चीज़ लगाइए जो आपको रिजल्ट दे। तो अगर सीरम की बात करें और एंटी एजिंग की बात करें और ओपन पोर्स की बात करें, रेडनेस एक्ने कहीं भी ये सारे अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं, तो आई थिंक ईक्लेट सुपीरियर सीरम बेस्ट रहेगा, जिसमें नियासिनामाइड 10%, और इसको अप्लाई करिए। ये आपके हर आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं स्किन को, उन सबको पे ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेगा। और इसके अलावा भी कोई आपको अगर इश्यूज हैं, कोई भी दिक्कत है, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मुझे वहाँ पे क्वेश्चन आप पूछिएगा, मैं आपको आंसर करूँगा। मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता। जाइए, वेट क्या कर रहे हो, क्लिक ऑन केयर पे जाके इसको खरीद लो। 1650 रुपये का अपनी स्किन के लिए इतना खर्चा कर सकते हो आप। वैक्सीम हेल्थ साइंस ने इसको बनाया है, जो कि अहमदाबाद की कंपनी है, तो मेड इन इंडिया है। इंडिया के प्रोडक्ट को यूज़ करो, हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छी क्रीम्स होती है। चलो, बाय।